यूपी के सुल्तानपुर में एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां पर एक नवविवाहिता ने पति और सास के खिलाफ देह व्यापार कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। मामला जिले के एक अधिकारी के रसोईया होने की वजह से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसडीएम कार्यालय के एक बाबू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर पुलिस रही है। पूरा मामला कोतवाली नगर के एक गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की रहने वाली नवविवाहिता ने पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच आरोप लगाया कि उसकी सगी सास के अवैध संबंध कई लोगों से है, पति शराबी है, पति और सास उससे देह व्यापार में शामिल होने का दबाव लगातार बना रहे थे। विरोध करने पर उसकी हत्या की धमकी दी गई। हरकत में आई पुलिस ने सास और पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं एसडीएम सदर दफ्तर में तैनात एक बाबू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की कुंडली खंगाल रही है। बहरहाल मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से भाग रहे हैं। वो एफआईआर हो गई ना? अभी कुछ नहीं काज है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही